हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लेक्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के जीवनी के बारे में जानेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता जहांगीर भाभा एक वरिष्ठ वकील थे। होमी भाभा की स्कूली शिक्षा कैथेड्रल स्कूल से हुई और उसके बाद जॉन कैनॉन स्कूल में गए। होमी भाभा ने इसके बाद की पढ़ाई एल्फिस्टन कॉलेज से किया, जो कि मुंबई में स्थित है, और इसके बाद रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की डिग्री ली। साल 1927 में होमी जहांगीर भाभा इंग्लैंड चले गए और वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। साल 1934 में होमी जहांगीर भाभा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। डॉक्टर भाभा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1939 में भारत लौट आए। भारत आने के बाद भारत के बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़ गए और साल 1940 में रीडर के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उन्होंने कॉस्मिक रेज की खोज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। कॉस्मिक किरणों पर उनकी खोज के लिए उन्हें विशेष उपाधि मिली और उन्हें साल 1941 में रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुन लिया गया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए साल 1944 में मात्र 31 साल की उम्र में उन्हें प्रोफेसर का पद दिया गया। साल 1957 में भारत ने मुंबई के करीब ट्रॉम्बे में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जिसे 1967 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया। 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा न्यूयॉर्क के लिए निकले थे, लेकिन यूरोप के एल्प्स माउंटेन रेंज में यह विमान क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस काइंडली सब्सक्राइब टू सिंप्लेक्स क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।